शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं पार्टिकुलरली एक लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है उसके ऊपर से। ये एडिटोरियल है जो कि साइंस के ऊपर फोकस करता है, बताता है कि इंडिया किस प्रकार से अंतरिक्ष के मामले में आगे बढ़ते जा रहा है। इसके साथ साथ में यदि इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर लगते हैं तो कौन कौन सी चिंताएं हैं इन बड़े प्रोजेक्टों को लेकर के, इसके बारे में भी यहाँ पर बात बताई जाती है। तो जो लीगो इंडिया बनाया जा रहा है, लीगो इंडिया को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी कम्युनिटीज़ को, इनकी ज़रूरतों को एक सस्टेनेंस फार्म में। ऐसे नहीं कि खाली आजकल की ज़रूरत को हमने पूरा कर लिया इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा कर देश में, कंटिन्यू हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें इस प्रकार के प्रोजेक्ट हमें लगाने होंगे। यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है कि सेटअप किया जाएगा ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन फैसिलिटी महाराष्ट्र में, और इस प्रोजेक्ट की कीमत है 2600 करोड़ रुपया, 2600 करोड़ रुपया का ये प्रोजेक्ट है। तो इसके अंतर्गत इसमें क्या शामिल है, इसमें शामिल है डिटेक्टर जिसका नाम है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, और इसी को हम शॉर्टकट में लिगो बोलते हैं। टू बी बिल्ड इन द इमेज ऑफ ट्विन लिगो इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी ऑपरेशनल इन द यूएस। ये ठीक उसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से अमेरिका में अभी 2 लिगो काम कर रहे हैं। इनका जो डिटेक्शन है ग्रेविटेशनल वेव्स का, 2016 में जब से ये आया है, मतलब यहाँ से लॉन्च हो जाता है एक एस्ट्रोनॉमी का नया एरा। तो तीसरे नंबर का जो डिटेक्टर है उसका निर्माण किया जाएगा इंडिया में एज ए पार्ट ऑफ द इंडिया लीगो कोलेब्रेशन। इंडिया और लीगो का कोलेब्रेशन हो रहा है, सहयोग यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, इसी के हिसाब से तीसरे नंबर का डिटेक्टर मशीन हमारे यहाँ पर स्थापित किया जाएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें डिटेक्टर्स की कलेक्टिव एबिलिटी को। ठीक है, इससे क्या होता है, स्काई की जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उसको आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा इसको आप समझ लीजिए। इंडिया जो है ग्लोबल साइट बन जाएगा ग्रेविटेशनल फिजिक्स रिसर्च में, ट्रेनिंग के मामले में, इसके अलावा प्रिसीजन टेक्नोलॉजी की हैंडलिंग करना। एक वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड मतलब होता है परिष्कृत, ठीक है, जिसको आप रिफाइंड बोल सकते हैं, जटिल, आर्टिफिशियल, तो इसके लिए सोफेस्टिकेटेड वर्ड यूज़ किया जाता है। तो सोफेस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम के मामले में भी हम आगे बढ़ पाएंगे। अल्टीमेटली सीमेंटिंग ए रेपुटेशन फॉर सक्सेसफुली रनिंग एन एक्सपेरिमेंटल बिग साइंस प्रोजेक्ट। इसके अलावा हमारी रिपोर्टेशन स्थापित होगी कि हम इस प्रकार से सक्सेसफुली रनिंग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल बिग साइंस प्रोजेक्ट को। द स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट हेयर इज द टाइमली रिलीज ऑफ फंड फॉर कंस्ट्रक्शन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो जाती है कि शुरू में ही हमें जो है फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम में यदि फंड रिलीज कर दिया जाता है बिना किसी डिले के तो आपका प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी से काम करना चालू कर देता है। सेकेंड नंबर की जो बात बताई जाती है वो ये है कि इंडिया और लिगो ये डिमोन्स्ट्रेट करता है, डिमोन्स्ट्रेट करना मतलब होता है प्रदर्शित करता है एबिलिटी को टू रेकॉन। रेकॉन मतलब समझना, इंटेलिजेंटली विथ इंडियन सोसाइटीज रिलेशनशिप विथ साइंस। ये बात बताती है कि इंडियन की जो सोसाइटी के रिलेशनशिप हैं साइंस के साथ में कैसे हैं। यूजिंग अपॉर्चुनिटीज दैट बिग साइंस अफोर्ड, ठीक है, तो इसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है इसको हमें अफोर्ड करने की ज़रूरत है।
लेकिन यदि आप देखते हैं तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके साथ में इंडिया के जो रिलेशन है कहना चाहिए, हाल ही में देखिए यहाँ पर क्या बात है कि भारतीय समाज के संबंधों को समझदारी से समझने की क्षमता प्रदर्शित कर सकता है। हाल ही में चल केरे साइंस सिटी और रुकी हुई भारत आधारित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी सहित ऐसी परियोजनाओं के साथ भारत एक विवादित रिश्ता रखता है। अब आप खुद सोच लीजिए, दो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो कैसे यहाँ पर रुके हुए हैं। तो भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए जो भी प्रभाव होने वाला है इसके लिए आपको नए नए रूट चाहिए, तब जा कर के आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ पर विवाद रहता है इसको भी आप देख लीजिए। लैंड राइट्स को लेकर के अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लोकर के कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टारगेट जस्ट ट्रांजिशन ह्यूमन राइट रिकॉल द इंटरप्ले बिटवीन हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड सेटलर कॉलोनिज्म। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं साइंस में और लोगों के बीच में भी किस प्रकार से थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है। तो एक जो सिमिलर क्रिटिसिज्म है और वहाँ पर क्या हमें पता चलती है, जैसे INO की हम एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लें, तो जो इकोनॉमिकली डेवलपिंग वर्ल्ड होता है दे आर फार रिमूव्ड फ्रॉम द कंसर्न ऑफ मेजॉरिटीज। दिक्कत वाली बात यहाँ पर हो गई है कि इस प्रकार के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं ना, ये प्रोजेक्ट जो लोग हैं जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं उनकी चिंता का सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार से इनकी आलोचना की जाती है। इसके बाद का जो हमारा सेकेंड एडिटोरियल है वो IFA नेगोशिएशन से संबंधित है। ठीक, पार्टिकुलरली हमारा जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसको ये हिस्सा कवर करता है। IFA नेगोशिएशन को लेकर के भारत क्या क्या चीज़ अपनी दिमाग में रख सकता है। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत करी जाती है। हालांकि विश्व व्यापार संगठन आज के टाइम में ठंडे बस्ते में चल रहा है, मोरी बंड कंडीशन मरणासन्न अवस्था में चल रहा है। नियम निर्माण के एक क्षेत्र में काफी कुछ गतिविधि हमको देखने को मिल रही है। कहाँ पर? इन्वेस्टमेंट फैसिलेशन एग्रीमेंट IFA जिसको हिंदी में शॉर्टकट में कहा जा रहा है, इसका समर्थन किया जा रहा है 100 से भी अधिक देशों के द्वारा, भारत इसमें शामिल नहीं है। प्रस्तावित IFA निवेश निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान बनाने के लिए इसकी स्थापना करी गई है। क्या बात करी जाती है कि यहाँ पर कुछ लीगल प्रोविज़न किए गए। लीगल प्रोविज़न ऐसे हैं कि हमें ये कदम उठाना है तो उठाना ही पड़ेगा, आप बहाने नहीं बता सकते, इसके लिए बाध्यकारी कदम उठाए गए हैं। ठीक है, अब आगे कहा जाता है तो 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज ने इसका समर्थन किया है। द लीगल ऑब्लिगेशन इंटर एलिया विल रिक्वायर स्टेट्स टू ऑग्यूमेंट रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी। इसके लिए जो मेंबर कंट्रीज हैं वो रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएंगी, इसके साथ साथ में प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जो उपाय किए हैं उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी भी निश्चित करी जाएगी। ये जो एग्रीमेंट है ये काफ़ी डिफरेंट होने वाला है फ्रॉम किस चीज़ से, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के साथ में। जैसे कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटी होती हैं वो इससे बिल्कुल अलग हैं। इसके अंतर्गत जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो कुछ क्लेम्स लेकर के आते हैं अगेंस्ट द होस्ट स्टेट फॉर एली ट्रीटी ब्रीचेस। तो यहाँ पर क्या बात करी जाती है कि ये जो कुल मिलाकर के ट्रीटी करी जा रही है ये BIT से बिल्कुल अलग है।
जो विदेशी निवेशकों को संधि के कथित उल्लंघनों के लिए मेजबान राज्य के खिलाफ दावा करने की अनुमति देता है। इसी को हम कहते हैं निवेशक राज विवाद निपटान, और शॉर्टकट में ISDS के रूप में बोलते हैं। ISDS का फियर किस प्रकार से, इसके बारे में हम देख लेते हैं। संभवतः भारत IFA वार्ताओं का पक्ष नहीं होने का एक रीजन ये है कि विदेशी निवेशक मौजूदा BITS के तहत दावों को लाने के लिए फ्यूचर के IFA का यूज़ कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन में भारत के काउंसलर अनवर शेख ने इस चिंता को हरी झंडी दिखा दी। तर्कसंगत रूप से विदेशी निवेशक BIT में सबसे ज़्यादा पसंदीदा राष्ट्र का प्रावधान करने का यूज़ कर सकते हैं, जो IFA से शर्तों को ठीक IFA की जो शर्तें हैं, या फिर आयात करने के लिए जो अंतर्निहित BIT में दिए गए चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करते हैं। आगे फिर किस प्रकार से रिफॉर्मिंग की बात हो रही है, यहाँ पर हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। देखिए कि ये काफ़ी डाउटफुल हमको लगता है, क्या डाउट यहाँ पर लगता है इसको देखते हैं। इट इज़ डाउटफुल दैट एन ISDS ट्रिब्यूनल विल एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट। ISDS जो ट्रिब्यूनल बनाए हैं वो आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर संदेह है। दैट मर नॉन कॉम्प्लायंस विथ IFA ब्रीचेस एंड इन्वेस्टर्स लेगिटमेट एक्सेप्शन। अब जब यहाँ पर ट्रिब्यूनल में आर्गुमेंट नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा तो इससे क्या होगा, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है मर, मेयर, जिसका मतलब होता है केवल। तो क्या हो जाएगा, नॉन कॉम्प्लायंस हो जाएगा, मतलब जो आप बाध्यकारी बात कह रहे हैं वो बाध्यकारी बात तो यहाँ पर आ ही नहीं रही है। IFA ब्रीचेस, ब्रीचेस का मतलब होता है उल्लंघन करना, तो यहाँ से क्या होगा, IFA उल्लंघन करता है इन्वेस्टर की लेजिटमेट एक्सेप्शन को। जो एक्सेप्शन आप लेकर के आ रहे थे, जो आप आशा कर रहे थे, उसका यहाँ पर उल्लंघन हो जाता है। फिर यहाँ पर केवल और केवल एक्सेप्शंस यहाँ पर ये है, यदि कोई स्टेट उसमें इंक्लूडेड है इसके IFA कमिटमेंट एज पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक मेजर स्पेसिफिक एश्योरेंस टू द फॉरेन इन्वेस्टर लरिंग हर टू इन्वेस्ट एंड देन गोज बैक ऑन दिस एश्योरेंस विथाउट ए प्रपोर्शनेट पब्लिक पॉलिसी जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पर एक चीज़ और एक्सेप्शन हमको देखने को मिल गई है, वो एक्सेप्शन क्या है देखिए। एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पर होता है अपवाद वाली बात। यदि कोई स्टेट ऐसा है, मेंबर स्टेट ऐसा है, इसमें इंक्लूडेड है इसके IFA कमिटमेंट, IFA कमिटमेंट क्या है, एज ए पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक एश्योरेंस, किसके लिए, फॉरेन इन्वेस्टर। यहाँ लरिंग वर्ड यूज़ किया गया है, लरिंग का मतलब होता है लालच, हर टू इन्वेस्ट, जैसे कि कोई देश लालच देगा किसी इन्वेस्टर को, आइए आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, एंड देन गोज बैक ऑन दिस एश्योरेंस, इसके बाद ही क्या काम कर देता है, फिर से इस प्रकार के जो आश्वासन है वहाँ पर चला जाता है, यदि बिना किसी प्रोपोर्शनेट पब्लिक पॉलिसी जस्टिफिकेशन के। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद दिया गया है। इस प्रकार से जो बाइंडिंग IFA हैं माइनस अदर थिंग्स कैन नॉट बी बेसिस ऑफ द इन्वेस्टर्स लेजिटिमेट एक्सेप्शन। थर्ड नंबर की जो बात कही जाती है, जो नया इस इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हैं वो अवॉइड करती हैं अम्ब्रेला क्लॉसेस को ऑल टुगेदर, मतलब होता है साथ में।
दिस लिमिट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर स्विंग स्टेट फॉर नॉन कंप्लियंस ऑफ IFA obligation as a breach of BITS umbrella class. तो यहाँ पर umbrella class का भी उल्लंघन बताया जा रहा। इसके बाद हम सीधे चलते हैं ग्रेट निकोबार आइसलैंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है उसकी तरफ में। NGT ने सेटअप किया है एक पैनल को कि वो रीविजिट करे जो अभी क्लियरेंस दी गई है ग्रेट निकोबार आइसलैंड प्रोजेक्ट को लेकर के। द ईस्टर्न बेंच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की जो शाखा है ईस्टर्न बेंच वाली, इसने 3 अप्रैल को ऑर्डर दिया है कि स्टे लगाइए आप किसमें 72,000 करोड़ रुपया का जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। इसके साथ साथ में सेटअप किया जाए एक कमेटी को ताकि रिविजिट किया जा सके इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को जिसको ग्रांट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा। तो जो हाई पावर कमेटी जिसके हेड रहेंगे हेडेड बाय द सेक्रेटरी MOEF एंड CC हैज़ बीन आस्क्ड टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन 2 मंथ। तो यहाँ पर कमेटी को 2 महीने का टाइम दिया गया है कि आप 2 महीने के भीतर में अपनी रिपोर्ट दीजिए। ग्रेट निकोबार आइलैंड एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कहाँ पर, साउदर्न एंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। यहाँ पर जो मेन मुद्दा उठाया जाता है वो ये है कि यदि ये प्रोजेक्ट लगता है तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट हमको देखने को पड़ेगा रिच बायोडायवर्सिटी वाले एरिया में, एंड डैमेज की हो जाएगा यहाँ का जो हैबिटाट है, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, वो सब चीज़ खतरे में चली जाएंगी। गैलाथिया बे कहाँ पर पड़ता है, आइलैंड में पड़ता है। ये नेस्टिंग ग्राउंड माना जाता है कुछ बर्ड्स का, एंड द प्रोजेक्ट एरिया इज़ ए पार्ट ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन IA एंड IB। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो चिड़ियाँ हैं यहाँ पर अंडे देती हैं, ठीक है, उनका ये प्राकृतिक आवास स्थल बन गया है। और आप यहीं पर यदि आप अपने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं डेवलपमेंट के, तो इनका जो आवास स्थल है वो ख़त्म हो जाएगा। वन ऑफ द अपील्स चैलेंज्ड द फॉरेस्ट क्लियरेंस ऑन द ग्राउंड दैट द इम्पैक्ट डाइवर्जन ऑफ 130.75 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द प्रिस्टाइन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्राइबल हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड। तो यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है, 130 स्क्वायर किलोमीटर का जो रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, इसको आपने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करे हैं, ना ही ट्राइबल्स लोगों से आपने बातचीत करे हैं। इसके बाद बिहार की एक न्यूज़ आई है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, कास्ट कोड अलॉटमेंट किया जा रहा है थर्ड जेंडर वाले लोगों को बिहार के सर्वे में। यहाँ पर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कास्ट कोड को अलॉटमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा थर्ड जेंडर को एज ए पार्ट ऑफ ऑनगोइंग कास्ट सर्वे, आने वाला जो कास्ट सर्वे है यहाँ पर उसी के तहत कास्ट कोड अलॉटमेंट किया जा रहा है थर्ड जेंडर लोगों को। यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं एंड ट्रांसजेंडर पर्संस हैं इस मूव का विरोध कर रहे हैं। तो इसका जो सेकंड फेज रहेगा सर्वे का, उसको शेड्यूल किया गया है, ठीक है, 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक में। फॉर द इन्यूमरेशन प्रोसेस एक कास्ट कोड ऑफ 22 हैज़ बीन अलॉटेड फॉर थर्ड जेंडर। तो एक कास्ट कोड दिया जा रहा है जो थर्ड जेंडर पर्सन होते हैं उनको, क्या कितने नंबर, 22 नंबर। इस सर्वे में क्या क्या चीज़ शामिल है, इसमें 212 कोड जो है अलॉटेड किए जाएंगे डिफरेंट कास्ट को। ब्राह्मण को दिया जा रहा है 126 नंबर, भूमिहार को 142, राजपूत को 169। कोड हैव आल्सो बीन अलॉटेड टू रिलीजन, कोड धर्म के लोगों को भी दिया जा रहा है, धार्मिक धर्म को भी दिया जा रहा है।
चिल्ड्रन बोर्ड टू इंटरफेथ कपल एंड इवन टू प्रोफेशंस सच एज डॉक्टर एंड लॉयर। तो सबको यहाँ पर कोड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो विरोध किया जाता है वो ये है कि कैसे करके आप जेंडर को कास्ट के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, क्या जो ऐसे मेंबर जो कि बिलोंग करते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से वो पार्टिकुलर कास्ट के हो सकते हैं, कैन ए मेल और फीमेल बी कंसिडर्ड एज कास्ट, क्या आप किसी मेल या फीमेल को कंसिडर कर सकते हैं एज ए कास्ट के रूप में, इस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि ये कुल मिलाकर के क्रिमिनल एक्ट है जिसको गवर्नमेंट कर रही है और ये ट्रांसजेंडर पर्संस के अगेंस्ट में है। आगे उनका कहना है कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसको इसमें इंटरवेन करने की ज़रूरत है एंड रेटिफाई द कॉलम आइडेंटिफाइंग द मेंबर ऑफ थर्ड जेंडर एज ए कास्ट इन द फॉर्म। वहीं सेंसस के हिसाब से देखें 2011 की तो टोटल पॉपुलेशन और जो जेंडर पर्सन्स की है वो स्टेट में कितनी है, 40,827 है।